जय माता दी। दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 18 मई से यानी कि आज से शुरू हुए परिवर्तन में राशियों में, जिसमें राहु केतु ने अपनी कुछ दशाएं बदली हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों को तो बहुत ही अधिक लाभ है, लेकिन कुछ राशियों को संभल कर रहना है। राहु केतु बहुत ही ज्यादा दुष्ट ग्रह माने जाते हैं और जब भी इनकी दशा शुरू होती है तो जीवन में बिल्कुल अंधकार सा आ जाता है, लेकिन जब भी राहु केतु के कुछ लोगों को अच्छे प्रभाव मिलते हैं तो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अचानक से उन्हें कई गुना अधिक लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि राहु केतु की दशा में सिर्फ नुकसान ही होता है, बल्कि इन्हीं विशेष दशाओं में व्यक्ति अचानक से कुछ बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ भी पा लेता है। इसका असर सभी 12 राशियों पर है, लेकिन कुछ राशि ऐसी है जैसे कि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ को इस दशा में ज्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए समय बहुत अच्छा है, कुछ राशि को संभल कर रहना है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस महीने दोस्तों इस दौरान आपका मन उदास रह सकता है, कार्यों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है, किसी भी विरोधी को मौका बिल्कुल भी ना दें और कुछ दिनों तक अपने महत्वपूर्ण कार्य को टाल दें, यानी कि अगले हफ्ते तक आप महत्वपूर्ण कार्य को टाल दें और उसके बाद ही अपने महत्वपूर्ण कार्य करें, इससे आपको बाधाओं में मुक्ति मिलेगी। मई के अंतिम दिनों में समय आपके लिए अच्छा है, उसी समय आपके कार्य भी समय पर होंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। आय आपकी बेहतर रहेगी, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा, कार्य सही ढंग से चलते रहेंगे। हालांकि मई के अंत में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, विवाद बढ़ सकता है और खर्चा भी बढ़ सकता है, इसीलिए क्रोध ना करें, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपकी समस्याएं टल जाएंगी। तीसरा है मिथुन राशि। आपके घर के जरूरी कामों में देरी हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य के कारण परेशान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मई के अंत में आपको जरूर सफलता मिलनी है, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें निश्चित ही धन लाभ होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। इस राशि को बिना मतलब के ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बनते काम बिगड़ जाते हैं इनके और ये अपनी धन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कमाई बिल्कुल नहीं होती है, कभी कभी तो अपने आप को भी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं, आपके लिए मई के बाद में समय अच्छा आने की संभावना है। पांचवा है सिंह राशि। अभी आपके साथ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आप अपने लक्ष्य से भी भटक सकते हैं, गलत विचारों को छोड़ दें, गुस्से को छोड़ दें और जो भी आपके अधूरे कार्य हैं उनको करने की कोशिश करें, उनमें सफलताएं जरूर मिलेगी, इससे आपकी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। कुछ दिनों के बाद आपकी परिवार से खुशियां भी मिलेंगी और धन के परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। छठा है कन्या राशि। मई का आखिरी हफ्ता आपके लिए अच्छा है, आय में वृद्धि होगी, खुशियां बढ़ेंगी, शनि के वक्री होने से बाधाएं दूर हो सकती हैं, काम में तेजी आएगी, मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा, कार्य समय पर होंगे, लेकिन मई खत्म होने के बाद आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खर्चा बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो उस समय संभल कर रहें दोस्तों। सातवां है तुला राशि। इस राशि से राहु केतु की दृष्टि हट गई है, संतान का सुख प्राप्त होगा, धन के लाभ होंगे और कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है। मई के बाद सिर्फ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, इसीलिए लड़ाई से दूर रहें, गुस्सा ना करें, शांत रहें, यह समय आपके लिए अच्छा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। आठवां है वृश्चिक राशि। आपको शुक्र के साथ सूर्य की दृष्टि प्राप्त होगी, सभी ओर से सफलताएं मिलने के योग हैं, सहयोग मिलेगा और धन प्राप्त होगा, आपके सभी अटके हुए कार्य होने की पूरी संभावना है। मई अंत में और जून के प्रारंभ में थोड़ा सा सावधान रहें, अनजान लोगों से सावधान रहना है और विवादों में नहीं पड़ना है, कुल मिलाकर आपके लिए यह समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नौवां है धनुराशि। आपके आय कम हो सकती है, मन विचलित हो सकता है और अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इस आने वाली मंगलवार की शाम से आपको राहत मिलने वाली है, बुधवार को आपके लिए अच्छा समय है, कोई महत्वपूर्ण कार्य सोच रहे हैं तो उस समय में जरूर करें, अड़चने और जितनी बाधाएं हैं वह समाप्त होंगी अगले मंगलवार और बुधवार से, तो इसीलिए इनका लाभ उठाएं। दसवां है मकर राशि। आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं, नए काम करने का मन करता है, लेकिन आपको इससे बचना चाहिए, आपके जो भी करीबी लोग हैं वह आपसे नाराज हो सकते हैं, लड़ाई के योग बन रहे हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए समय बहुत ही अच्छा है, सिर्फ आपको दूसरे के कामों में दखलअंदाजी नहीं करनी है और बस अपने ऊपर ही ध्यान देना है। अब दोस्तों ग्यारहवां है कुंभ राशि। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, बस रात के समय थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, यह समय आपके लिए अच्छा है, जितने भी आपके अटके हुए काम हैं
बिगड़े हुए काम हैं उनमें निश्चित ही सफलता आपको ही मिलनी है। नए काम मिलने के योग हैं और मई के बाद थोड़ा सा सिर्फ आपको संभल कर रहना है। अब 12वां है मीन राशि, आपके लिए भी यह समय अच्छा है। सफलता के साथ आपको सभी कार्य बनते चले जाएंगे, नए लोगों से संपर्क होगा, परिवार का साथ मिलेगा, योजनाएं सफल होंगी और सभी तरह से सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय का भरपूर फायदा उठाएं और सभी अपने कार्य पूरे कर लें। तो दोस्तों इसी प्रकार आप इन बातों को ध्यान रखकर इस समय का भरपूर फायदा उठा सकते हैं जो हम आपको हर महीने बताते रहते हैं सभी राशियों के बारे में, तो इनका ध्यान रखें। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।